पंजाब किंग्स को आखिरी ओवर में 9 रनों की जरूरत होती है। पंजाब की तरफ से सिकंदर रजा और शाहरुख खान मैदान पर मौजूद होते हैं, वहीं पथिराना अंतिम ओवर लेके आते हैं सीएसके की तरफ से। यकीन मानिए दोस्तों, अंतिम ओवर में कुछ ऐसा देखने को मिलता है, किसी भी टीम को नहीं पता चल पा रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। मुकाबला आखिरी गेंद तक जाता है। आपको बता दूं, ओवर की पहली गेंद पर सिकंदर राजा शॉट खेलते हैं और 1 रन बटोरने में कामयाब रहते हैं और अब यहां से 5 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत होती है। ओवर की दूसरी गेंद पथिराना डालते हैं शाहरुख खान को, लेकिन 1 रन आ जाता है लेग बाई के रूप में, यानी अब मुकाबले में रोमांच बढ़ जाता है क्योंकि 4 गेंदों पर अब 7 रनों की जरूरत होती है। ओवर की तीसरी गेंद पर पथिराना बॉल डालते हैं, सिकंदर शॉट खेलते हैं, लेकिन एक भी रन नहीं आ पाता है, ये गेंद निकल जाती है खाली और अब यहां से 3 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत होती है। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर सिकंदर राजा शॉट खेलते हैं, बड़ा शॉट नहीं आ पाता है, केवल 2 रन ही आ पाते हैं और अब यहाँ से मुकाबला और रोमांचक हो चला था क्योंकि 2 गेंदों पर अब 5 रनों की जरूरत होती है। पांचवी गेंद पर भी यही कारनामा दोहराया जाता है, शॉट खेलते हैं, 2 रन बटोरने में कामयाब रहते हैं, लेकिन अब यहां से मुकाबला और रोमांचक हो चला था दोस्तों क्योंकि मुकाबला पहुंच चुका था आखिरी गेंद पर और आखिरी गेंद पर पंजाब किंग्स को 3 रनों की जरूरत थी। या आईपीएल 2023 का ऐसा लग सकता था कि क्या पहला सुपर ओवर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन पथिराना गेंद डालते हैं, सिकंदर राजा शॉट खेलते हैं और 3 रन बटोरने में कामयाब रहते हैं। जी हां दोस्तों, अंतिम गेंद पर 3 रनों की जरूरत होती है और 3 रन बटोरने में कामयाब रहते हैं सिकंदर राजा और शाहरुख खान और इसी 3 रन के साथ 4 विकेट से यह मुकाबला पंजाब किंग्स जीतने में कामयाब रहती है।